मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे फिलहाल हमने देखा था मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बैटरी जो होता है वो बहुत ब्लास्ट हो रहा था मार्केट में। सेफ्टी फीचर्स का इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इसको हमारे गाड़ी से जब आप कंपेयर करोगे, हमारी बैटरी आती है प्रिज्मेटिक सेल्स के साथ में और पॉलीकार्बन इसका केसिंग है। पॉलीकार्बन केसिंग के में फ़ायदा ये होता है कि बाहर का टेम्परेचर, यानी बैटरी के बाहर का टेम्परेचर और बैटरी का अंदर का टेम्परेचर सिमिलर मेंटेन करता है। दूसरा एडवांटेज जब मैं कहता हूँ कि इसका प्रिज्मेटिक सेल है, प्रिज्मेटिक सेल का एडवांटेज ये होता है कि हर एक बैटरी, चाहे आपकी मोबाइल की बैटरी हो या आपके रिमोट की बैटरी हो, उसका लाइफ 4 या 5 साल में ख़त्म हो जाता है। उस टाइम में आपको 100% रिप्लेस करना होता है। बट हमारी जो बैटरी है, जब मैंने इसको कहा कि ये प्रिज्मेटिक सेल के साथ में आता है, जो सेल काम नहीं कर रहा है, खाली वो सेल को अगर हमने बदल दिया उसको, तो हमारा कॉस्ट उसमें भी बहुत बच जाता है। आज का मार्केट में अगर आप देखा जाएगा तो 40-50% गाड़ी का कॉस्ट बैटरी में ही है। इसका रिपीटेशन कॉस्ट 4 साल या 5 साल बाद जब आपको आएगा, कंपेरेटिवली मार्केट में हमारा सबसे सस्ता है। तो ओनली आप इंडिविजुअल सेल को रिप्लेस कर लो, देन काम चल जाएगा आपका। तीसरा एडवांटेज हमारा प्रोडक्ट में ये है कि इस पे का चार्जिंग का जो टाइम है, चार्जिंग टाइम कंप्लीट हो जाने के बाद में इस पे ऑटो कट ऑफ फैसिलिटी है। ज़्यादातर गाड़ियों में ये नहीं है, इस वजह से दिस इज द रीज़न वाई इसका हमेशा ओवर चार्ज होने का चांसेस है। तो अपने वाला बैटरी में इसमें ओवर चार्ज होने का कोई चांसेस नहीं है।